मौलाना फजल रहमान की जानिब से नाजिबा अल्फाज के इस्तेमाल पर मुल्क भर की खवातीन में गम गुस्सा और इश्तियाल पाया जाता है। खवातीन का कहना है कि मौलाना अगर वाकई मौलाना हैं तो उनके अपने अल्फाज पर गौर करना चाहिए। हमारी खवातीन का भी एक हक है, राइट है कि हम लोग जलसों में जाएं, हम जिस सियासी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम सपोर्ट करें। मैं समझता हूं कि वो एक सीनियर और मैच्योर पॉलिटिकल पर्सन है, उनको ये बात जेबा देती नहीं है। और बेइंग अ पाकिस्तानी भी अगर ये देखा जाए तो किसी भी खवातीन के बारे में एहतराम और अदब से बात करनी चाहिए। और वो अगर इमरान खान के साथ कम्पीट करते हैं तो ये तो शायद उनकी भूल है और उनकी सोच है। फजल रहमान को नहीं ऐसा बोलना चाहिए था, इसको ये दीन के बारे बोलना चाहिए था, कोई दीन की चीज़ समझानी चाहिए थी, ये गलत बात है। अपने माशरे को खुद ही डिग्रेड, अपने आप को मुस्लिम उम्मा को खुद ही डिग्रेड कर रहे हैं, तो ऐसी चीज मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब को करनी चाहिए। ऐसे बातें किसी को भी जेब नहीं देती है, उसके नाम के साथ आगे मौलाना लगा हुआ है उसको तो बिल्कुल भी नहीं देती है। फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह से पीटीआई की खवातीन के बारे में बात की है वो किसी भी पस्ती से भी पस्त गिर गए हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि वो अपने नाम के साथ मौलाना लगाकर मेरे दीन को खराब कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद हम लोग उनको मौलाना तो मानते ही नहीं है। ये उन्होंने